हरमान पांडे को रिहा करो, योद्धाओं का अपमान। एम्बुलेंस स्ट्राइक को आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर यहाँ इको गार्डन में डटे हुए हैं और लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। बता दें 4-5 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक इनके प्रदेश अध्यक्ष को रिहा नहीं किया गया। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इनके हनुमान पांडे हैं उनको रिहा नहीं किया गया है। अब आगे आप लोग की क्या कार्यवाही होगी? कैंडल मार्च निकालने का भी आप लोग सोच रहे थे, तो उसका क्या? नहीं नहीं, प्रशासन जो है निकलने नहीं देंगे गेट के बाहर, लेकिन हम लोग जो है जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे को रिहा नहीं किया गया अगर, तो आज हम लोग जो है गार्डन नहीं खालेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। आगे हम बार बार ये कहते रहे, शासन प्रशासन से निवेदन करते रह गए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को रिहा किया जाए, लेकिन आज तक हमें झूठा आश्वासन मिल रहा है, आज हो जाएंगे रिहा, कल हो जाएंगे रिहा। आखिर कब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रिहा किया जाएगा? आखिर गुनाह क्या उनका है जब 19 सितंबर यही माननीय मुख्यमंत्री जी योगी शासन काल में ही हमारा 23 सितंबर 2019 को समझौता हुआ था, लेबर कोर्ट में बीके राय कमिश्नर के द्वारा सिग्नेचर हुआ था और प्रदेश यूनियन के द्वारा हुआ था। वह समझौते का पालन आज तक किसी शासन काल में नहीं हो पाया। आखिर उस समझौते का पालन के लिए ही नहीं तो हम संघर्ष कर रहे हैं? आखिर कोई हमारे अपनी तरफ से मांगे तो ही रखे हैं? हमारा वही मांगे हैं जो लेबर कोर्ट ने हमारे आदेश किया है, उसी को संस्था मान ले, हम नौकरी के लिए वापस चले जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, धरना का कोई शौक नहीं लगा है। हम भी पर इसी गार्डन में हम लोग आधी पानी धूप बरसात में यहीं टिके हुए हैं। शासन हमारी मांगों को क्यों नहीं मनवाता है? जीवकी हमारा ही शासन को गुमराह कर रही है। हमारा जो है कि हम परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट की हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है 23 सितंबर 2019 की, जो शासन द्वारा और समझौता कराया गया था लेबर कोर्ट में, और वह समझौते का पालन कर ले संस्था, हम करने के लिए कर ड्यूटी। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी जब तक आपके जो प्रदेश अध्यक्ष उनको रिहा नहीं किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता है हम लोग यहीं पर बने रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं, कम से कम 10 से 15 हज़ार लड़के यहाँ पे आ चुके हैं, और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी घर पे भाई हैं वो भी हमारे आ रहे हैं। मैं जो हमारे घर पे भाई हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर वो हमें सुने तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने प्रदेश अध्यक्ष के कंधे को मजबूत करें और उनको छुड़वाने में हम लोगों का साथ दें। मैडम, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को रिहा नहीं करेगा तो साफ बात, हम लोग बस यही सरकार से कहना चाहेंगे कि जेल भरो आंदोलन करेंगे, और हम जितने भी कर्मचारी इको गार्डन लखनऊ में 10-15 हज़ार जो भी हैं सब कहेंगे कि हमको जेल में डालो। अपने अपने घर परिवार को भी बुलाएंगे और यहीं पर हम लोग अपना आत्मदाह करेंगे, मतलब बिना प्रदेश अध्यक्ष को लिए और अपनी मांगों को लेकर हम नहीं जाएंगे। हम शासन से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी गुहार को समझे। हम 23 हज़ार कोरोना योद्धा हैं और हमने इस कोरोना महामारी में अपनी जान हथेली रख के देश की सेवा की है, और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने सेवा की है कोरोना योद्धा बनकर। आज सरकार इस भ्रष्ट कंपनी को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम लोगों ने धरना दिया है। हनुमान पांडे जी ने इसी बात को उठाया कि बेहतरीन सुविधा मिले जनमानस को, बेहतरीन सुविधा मिल सके और अच्छे से अच्छा उनको सुविधा मिल सके, इसलिए भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके, इसलिए उन्होंने कदम उठाया। उनको प्रशासन से ये गुहार लगा रहा हूँ कि उनको छोड़ा था जल्दी से, आम जनमानस को अच्छी सुविधा मिलने के लिए उनको जल्दी से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो हम आगे के लिए बहुत अच्छी से तैयारी करके और ज़्यादा तैयारी करके जनमानस को मतलब अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, इसलिए और जल्दी से हमारे कर्मचारी भाई इकट्ठा होके और इस धरने को और मजबूत करेंगे और आगे तक बहुत लेके जाएंगे। क्या अपना अधिकार मांगना गुनाह है? संविधान में क्या हमें अपना अधिकार मांगना गुनाह है? हम वही मांग तो रहे हैं जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया 8 घंटे का मिनिमम वेज, वही हमको चाहिए, और 4 घंटे की ओटी चाहिए, वो भी समझौता हो गया है, लेबर कोर्ट ने आदेश कर दिया है। आखिर लेबर कोर्ट के आदेश को संस्था क्यों नहीं पालन करती है? आखिर संस्था क्यों हम लोगों को शोषण कर रही है? 15-20 केस का टारगेट देती थी, 25-25 केस हम किसको बीमार कर दें, किसको घायल कर दें, कहाँ से किसका आधार कार्ड ले आएँ, कहाँ से केस बनाएं, और केस नहीं करते थे तो 4-5 हज़ार रुपये हमारा जो है सैलरी काट ली जाती थी।
की संस्था हम लोगों को परेशान की, तभी ना हम लोग आज जो है इतना यूनियन बना के संगठन बना के धरना किए, मजबूर कर दी संस्था। और 23 सितंबर 2019 को बिना संगठन के यूनियन बनाए ही सभी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया था। तो शासन माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा जी द्वारा समझौता कराया गया था लेबर कोर्ट में, और 23 सितंबर 2019 का समझौता हो गया था, लड़के खुशी हंसी सब अपने घर चले गए थे, लेकिन आज तक उस समझौते का पालन नहीं हुआ। उसी समझौते का पालन हमको चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, अभी भी जो एम्बुलेंस चालक हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ इको गार्डन में डटे हुए हैं। इनकी साफ तौर पर जो पहली मांग है वो यही है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, नहीं तो जेल भरो आंदोलन होगा। इसके साथ ही ये लोग अपने परिवार वालों को भी बुलाएंगे। ये लोग पहले से कम 15 से 20 हज़ार की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो ये अपने परिवार वालों को भी बुलाएंगे और यहाँ पर आत्मदाह करने की भी नौबत आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।